अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द ब्लॉग। सो गाइस, अभी हम बना रहे हैं पराठा, और ये आलू का पराठा बना रही हूँ। और सब भी को पता है कि हमें आलू का पराठा कितना पसंद है। एक्चुअली मेरे बच्चों को आलू का पराठा ज़्यादा पसंद है, मुझे पराठा नहीं पसंद है, लेकिन मुझे आलू की रोटी बहुत पसंद है। जिस तरह से हम लोग पराठा बनाते हैं ना, उसी तरह से। तो मैं यहाँ बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठा, और अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए बनाऊँगी रोटी। इसी तरह से सेम रोटी बना लूँगी, और फिर इसको ना देसी घी लगा के खाएँ। आहा, मज़ा आ जाता। अभी मुझे याद आ गया, तो बस अभी के अभी मेरे मुंह पानी आ गया। तो गर्मा गर्म रोटी देखो मैंने सेक ली, उस पर लगाई घी। और घी लगाने में ज़रा भी कंजूसी मत करिए, इसमें घी ना ज़्यादा सा हो तभी मज़ा आता है। तो बस देखो मैंने कितना सारा घी लगाया, और साथ में लूँगी हरे धनिए की चटनी और दही। मन करने लग गया। तो बस ये हम लोगों ने कर लिया हमारा लंच। और आज नाश्ते में ना मैंने सुबह मैगी वगैरह बनाई थी, हम लोगों ने वो खाई थी। तो ये हमारा लंच है, तो हम लोग लंच करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सभी को खुश रखे। सो गाइस, ये देखिए आज कौन बैठा है। अभी सोकर उठे हैं ये। वालेकुम अस्सलाम, ये अभी सोकर उठे हैं जस्ट। तो इनकी रंगत उड़ी हुई है चेहरे की, गजब बेइज्जती है। मैं क्या करने जा रही हूँ पता है? नहीं, ये कल से रखी हुई है मैंने शाह जी की। क्या है? खीर। जो मैंने अभी तक खाई नहीं है, अभी भी रखी हुई है। अभी बस ओपन की है और रखी हुई है। बस सोच रही हूँ बच्चे उठ जाएं, बच्चे भी सो रहे हैं, लंच करके सो गए। एक्चुअली अभी सुबह सुबह का टाइम नहीं है, ये दोपहर का टाइम हो रहा है। लंच करने के बाद ये लोग सो गए थे, हस्बैंड जी आ गए थे 2 बजे के बाद, है ना। हाँ, क्या सोच रहे? देखा, बस ऐसे ही कर जा रही, इनको नींद आ रही थी जब से। कंट्रोल, जाओ फिर तुम सो जाओ, बेकार उठ कर आओ। मैं तो अपनी खीर खाने जा रही हूँ। तो टेप इतनी मुश्किल से हटा और अब ये खुलने में भी ड्रामे कर रहा है। मजा आया? गरम करना करो तो बताओ, मैं गरम करके देखती हूँ। बारिश की वजह से कपड़े मैंने यहाँ डाले हुए हैं, थोड़े से ज़रूरत के रहते हैं वो धो दिए। और ये देखें, इनकी नींद खुली तो ये आ गए अपना टीवी देखने हैं, और मैं भी आ गई मज़े लेने। अब वो बात अलग है कि बैठेंगे वो टीवी देखेंगे सावधान इंडिया, और मैं यहाँ बैठ के बस यही बोलती रहूँ नीचे जाकर सामान लेकर आ जाओ। और मैं सच बोल रही हूँ, सामान आना है, दूध वगैरह आना है। लेकर आ जाओ। आप दूर नहीं पड़ रही अलमारी आपके बीच में आ गए, मतलब बिल्कुल आप अलमारी से चिपक के बैठे हैं ना ये बिल्कुल, तो इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे ये अलमारी सारे बीच में आ गई है, तो जरा से दिख रहे इतने से। मरना तेरे को डर नहीं लगता? देखो रैयान वहां से आके और यहाँ लेट के सो रहा है पापा की गोद में। रैयान देखो लेटा कैसे, उन्होंने पैर इधर रखे तो उसके ऊपर आके लेट गया है। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, देखो उधर सो रहा था और आके यहाँ पापा की गोद में लेट गया। रे यार, गोद में ये कौन सा बेड है जहाँ तुम सो रहे हो? और सोते सोते भी देखो घड़ी पहन रखी है इसने, घड़ी पहन के कौन सोता है? देखो 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 देखो, अब देखना क्या करेगा। अभी इसके ड्रामे चालू होने वाले हैं ना। बेटे माज कर दी, माज कर दी, वाह बेटे वाह। देखो पापा घुटनों में दर्द हो गया। और लिटाओगे? हाँ, ये पता ये क्या है? ये वो है आसमान से टपके खजूर में अटके। तुम्हारी गोद से तो अब मेरी गोद में पड़ा है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल घड़ी मेरे 6:30 हो गए भाई, बूंदे पड़ रही, मैं आता हूँ। मैं हाँ जाओ, दूध भी ले आना। हस्बैंड जी और बच्चे सभी चले गए थे सामान लेने के लिए, तो मैं के लिए, तो मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ, तो सोचा चलो आज कस्टर्ड बनाते हैं और कुछ मज़े की डिश रेडी करते हैं, ताकि आप लोग को भी शेयर करती हूँ आज एक डिज़र्ट। तो यहाँ पर मैं ना जेली बना रही हूँ, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह की बना रही हूँ, मतलब रेडीमेड जेली। मैं रेडीमेड नहीं बनाती हूँ, मैं अक्सर क्या करती हूँ कॉर्नफ्लोर वगैरह डाल के इस तरह से करके बना लेती थी। तो देख लें, ये मैं लाई हूँ रेसबेरी की, तो मैं अभी आधा पैकेट बना रही हूँ, आधा नहीं बनाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना मुझे अभी यूज़ करना है उतना पैकेट बना रही हूँ, और इसमें ना एक अलग से ऐसे निकलता है जेली के लिए। तो बस ये सब चीज़ें डाल के, दोनों चीज़ और फिर पानी डाल के इसको अच्छे से डिज़ोल्व करके फिर गर्म पानी में डालें, और डालकर इसको बस अच्छे से उबाल आने दें, और बस गैस बंद करके इसको ठंडा कर लें, और मतलब थाल में फैला दें तो ये ठंडा हो करके जेली की बन जाएगा। लेकिन है तो बहुत आसान सा प्रोसेस, लेकिन ये ना जब फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो थोड़ा बहुत रहता है दिल में। अभी पता है मैंने क्या किया,
एक तो मैंने रेड रहने दी और दूसरे को मैंने ग्रीन करने के लिए ना ये ग्रीन कलर डाला उसमें, तो क्या हुआ देखो कितना ज़्यादा कलर डल गया। तो ये हो गई जो कोला का कलर होता है ना, कोका कोला वाला, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, वो कलर हो गया। मैं कह रही इतना ज़्यादा डार्क हो गया ये, पर कोई नहीं, अब इसको हम ऐसे ही रखेंगे कोला वाला कलर। मैंने दो कलर हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा, इस वजह से मैंने इसको एक ग्रीन करना चाहता, पर हो गया मुझसे क्या कांड, नहीं गड़बड़ हो गई गड़बड़, अरे नहीं ना जो भी हुआ हो गया। जेली को रख दिया ठंडा होने के लिए और फिर मैंने दूध आ गया तो फिर बस दूध को उबलने के लिए रख दिया और कस्टर्ड बनाने लग गई। कस्टर्ड बनाना बहुत आसान है, सभी को आता है, तो इसकी रेसिपी आप सभी के पास होगी। तो ये देखिए अभी थोड़ा पतला है, थोड़ा और पकाऊंगी ठीक हो जाएगा। फिर कस्टर्ड रेडी हो गया पर दूध नहीं उबल पाया, दूध आधे पर ही रह गया और हमारी गैस ख़त्म हो गई है। अब क्या करेंगे, दूध कैसे गर्म करेंगे, मैं इसको माइक्रोवेव में रख दूंगी ताकि दूध में अच्छे से उबाल आ जाए, वरना दूध फट जाए। बहुत तेज हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा है इससे, ये कार्टून देख रहा है लेकिन बार बार आके चेक कर रहा है कि मम्मा क्या बना रही है। तारीख तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, किस चीज की गुजरती रही, पर आज आज वो इंतजार खत्म हुआ। हाँ किस लिए, कि भाई आज मैं तेरा मिशू खाऊंगा, इसको मैं ना उसमें बना रही हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो, जेली रेडी हो गई है। अब इसको कट करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, मुझे इतना मज़ा आ रहा था, लग रहा बस कट करती जाऊं, लेकिन और भी काम थे। हमजा मेरे परेशान हो रहे थे कि मम्मा जल्दी से दो, तो ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था कस्टर्ड, कस्टर्ड अभी गर्म था, तो मैंने कहा चलो बच्चों को छोटे छोटे से बाउल्स में बना के दे देती हूं। और ये देखो मैंने इस तरह जेली डाली, कस्टर्ड डाला, वेफर डाला और इस तरह से उनको डेकोरेट कर दी। और देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है, अगर आप इस तरह से भी प्रेजेंट करना चाहें ना, कोई गेस्ट आए या फिर अपने बच्चों के लिए करें, तो बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं, यूँ कलरफुल दिखता है ना, तो इसलिए मज़ा आता है। इसलिए मैंने देखो दो कलर की जेली की थी ताकि बच्चे खुश हो जाएंगे। ये लो ये मैंने डिजर्ट बनाया है, खाकर बताओ दोनों भाई। रैयान तुम बताओ, रैयान अभी ना बड़ी बारीकी से देख रहा है, बड़ी बारीकी से ध्यान से, दोनों जेली खाने में इतने बिजी हो गए कि उनको दिख ही नहीं रहा आसपास कुछ भी। मैं कह रही हूँ खाकर बताओ, तो रैयान ने तो अभी तक नहीं बताया, वो अभी तक नहीं ढूंढ पाया। बच्चों को खिला दिया और कस्टर्ड जो था वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया था। फिर उसके बाद मैं एक बड़े से बाउल्स में इसको सेट करने लगी, मतलब लेयर लगाने, तो मैंने कहा पहले कस्टर्ड डाला, वेफर डाले उसके ऊपर, फिर मैंने उसके ऊपर जेली डाली, फिर उसके फिर से कस्टर्ड डाला, फिर उसके बाद मैंने ना बिस्किट लगाया। और आप कोई से बिस्किट लगा दो जो आपको पसंद हो, और यकीन माने इसका इतना मज़े का टेस्ट आ रहा था ना, बहुत अच्छा। और बस फिर से कस्टर्ड डाला और छोटे छोटे से थोड़े से मतलब जेली मैंने ऊपर से भी डाली, और इसको फिर रख देंगे हम फ्रिज में ठंडा करके खाएंगे। नेक्स्ट डे मैंने खाया आज, तो बहुत अच्छा, बहुत मज़े का लगा। और आइडिया आपको कैसा लगा, जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। और देखो कितना आसान सिंपल इजी सा डिजर्ट है, और इसको प्रेजेंट करने के लिए मैंने दो आइडियाज आपको दिए हैं, और ये देखो साइड से कितना प्यारा दिख रहा है। तो चलते हैं गाइस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।